You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटो कोरिलेशन पढ़ा कंटिन्यूअस टाइम में, और ऑटो कोरिलेशन में भी केवल हमने एनर्जी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन निकालना देखा था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था, साथ साथ हमने केवल बता दिया था। यहाँ पे प्रूफ हमने ये किया था कि टाउ इज इक्वल टू जीरो पे जो आपकी ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो सिग्नल की एनर्जी के बराबर होगी, वो हमने प्रूफ करके बताया था। और साथ साथ हमने एक हिंट दे दी थी कि उसी तरीके से पावर सिग्नल अगर होगा तो टाउ इज इक्वल टू जीरो पे पावर सिग्नल जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो पावर के इक्वल होगी उस सिग्नल की। तो आज हम जो पावर सिग्नल होते हैं उनका उनके ऑटो कोरिलेशन निकालना देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको एनर्जी सिग्नल का जो ऑटो कोरिलेशन बताया था वो कुछ इस टाइप से था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। तो पावर सिग्नल के लिए ऑटो कोरिलेशन बिल्कुल आसान है दोस्तों निकालना। आपको जब हमने एनर्जी और पावर सिग्नल बताए थे तो एनर्जी और पावर के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। एनर्जी में लिमिट होती थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और पावर में लिमिट होती थी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, और लिखते थे हम वन अपॉन टी का मल्टीप्लाई करते थे। तो वही अब इसमें भी पीरियोडिक हो सकता है सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल हो सकता है, ये भी हमने आपको बताया था। पावर में दो टाइप के सिग्नल होते हैं, या पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक होगा। और हम देखिए, कोई ये मत सोचना कि एनर्जी सिग्नल में भी तो ऐसा हो सकता है, पीरियोडिक सिग्नल कभी भी एनर्जी सिग्नल हो ही नहीं सकता। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, बस लिमिट पे ध्यान रखना है, बाकी सब वही का वही, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बस अपीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होता है इनफाइनाइट, तो टी टेंस टू क्या रख देना है इनफाइनाइट, यह आ जाएगा माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ और डी टी। ये हो गया पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल के लिए ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू। अब देखिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि टाउ इज इक्वल टू जीरो पे जो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो उस सिग्नल की क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो देखिए, टाउ की वैल्यू हम जीरो पुट कर रहे हैं दोनों के लिए, पावर सिग्नल के लिए, सॉरी पीरियोडिक सिग्नल के लिए एंड अपीरियोडिक सिग्नल के लिए। तो देखिए, ये हो जाएगा वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, टाउ जीरो होगा तो एक्स टी का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्नल हम रियल लेके चल रहे हैं तो एक्स टी के स्क्वायर में मॉड लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही अज्यूम कर लिया है हमने। यहाँ पे लिख लेना आप, लेट सिग्नल इज रियल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर सिग्नल रियल नहीं होता तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और लगाते हम, जैसे कि हमने ऑटो कोरिलेशन में बताया था प्रीवियस वीडियो में। सिग्नल को अगर हम रियल मान लें तो किसी भी रियल सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, वही का वही। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि इफ सिग्नल इज रियल, देन हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। देखिए दोनों वैल्यूज, देखिए आप दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, तो अगर आप लोगों ने एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल के वीडियो देखे होंगे तो आप देख के ही बता पा रहे होंगे कि ये पावर है, ये भी क्या है पावर, ये अपीरियोडिक सिग्नल की पावर है और ये पीरियोडिक सिग्नल की पावर है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि टाउ इज इक्वल टू जीरो पे पावर सिग्नल की, अगर कोई सिग्नल पावर है तो ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू टाउ इज इक्वल टू जीरो पे किसके बराबर होती है, उस सिग्नल की पावर के बराबर होती है। और हमने साथ साथ प्रूव करके बताया था कि टाउ इज इक्वल टू जीरो पे एनर्जी सिग्नल के ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू उस सिग्नल की एनर्जी के बराबर होती है, ये चीज हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ऑटो कोरिलेशन निकाल के बताइए, इफ एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे बोला है इसका ऑटो कोरिलेशन निकालिए। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कॉस टी इज अ पावर सिग्नल, और पावर सिग्नल में भी ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल नॉर्मली हमेशा क्या होते हैं, पावर सिग्नल होते हैं। जब हमने पीरियोडिक सिग्नल पढ़ाए थे और पावर सिग्नल पढ़ाए थे तो वहां पे ये प्रूव करके बताया था। तो ये हमारा पावर सिग्नल भी है, पीरियोडिक सिग्नल भी है, तो इसके लिए सीधा ऑटो कोरिलेशन का कौन सा एक्सप्रेशन लग जाएगा, वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, एक्स टी की जगह रख दोगे आप ए कॉस टी,
इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ की जगह रख दोगे ए कॉस टी माइनस टाउ एंड यहां पे हो जाएगा आपका डी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां अच्छे से ध्यान देना आप लोग, ये हम निकालने जा रहे हैं इस सिग्नल का ऑटोकोरिलेशन। कॉस टी एक पीरियोडिक सिग्नल है और कॉस टी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई, तो हमें टी की जगह कैपिटल टी की जगह कितना रख देना है 2 पाई रख देना है, तो ये 1/2 पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा प्लस पाई। ए स्क्वायर को हम बाहर ही निकाल देते हैं, कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर आ गया बाहर, कॉस टी इंटू कॉस ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 का कर दें डिवाइड। अब देखिए ये ए है और ये बी है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू होता क्या है, हम आपको जिसको याद ना हो डायरेक्ट लिख के बता रहे हैं। देखिए दोस्तों cos a प्लस बी इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस बी इज इक्वल टू पढ़ा होगा आप लोगों ने cos a cos b प्लस sin a sin b, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहां आ जाएगा 2 cos a cos b, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहां आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को अगर याद ना भी हो तो हम प्रूव करवाते जाते हैं साथ साथ, ये दोनों तो सभी को याद होंगे। तो देखिए 2 cos a cos b की वैल्यू रखना है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई तो आ गया बाहर, माइनस पाई से पाई, देखिए a की वैल्यू है t और b की वैल्यू है t माइनस tau, तो a प्लस बी हो जाएगा 2t माइनस टाउ प्लस a माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा cos ऑफ टाउ और कितना हो गया dt। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी सिग्नल की अगर हम राइट शिफ्टिंग करें या लेफ्ट शिफ्टिंग करें उसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे ये सिग्नल है, अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दें या राइट में शिफ्ट कर दें तो क्या उसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ ऊपर या नीचे शिफ्ट करेंगे तो जरूर एरिया बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे तो सिग्नल के शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो एरिया रिमेन सेम। हम क्या बोल रहे हैं, जिनको इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है आप इंटीग्रेशन मत कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिए। देखिए ये हम क्या निकाल रहे हैं, ऑटो कोरिलेशन निकाल रहे हैं पावर सिग्नल का, कितना आएगा समझिए आप लोग, ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, समझते जाना। इस पार्ट की हम इसकी बात कर रहे हैं एरिया की, दोस्तों शिफ्टिंग के बाद और शिफ्टिंग के पहले एरिया सेम ही रहेगा, यानी कि जो एरिया आएगा कॉस 2t का, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया होता है, जिसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो इसको तोड़ के वो सॉल्व करके देख लेना, आंसर वही आएगा जो हम निकालने जा रहे हैं, देखना यहाँ पे दोस्तों अच्छे से, जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इस पार्ट का आएगा, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ टी वेरिएबल है, टाउ कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप देखिए कॉस टी का टाइम पीरियड पाई 2 पाई होता था, तो कॉस 2t का टाइम पीरियड कितना होगा 2π/2 यानी कि पाई। दोस्तों हमने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि कॉस और साइन जो है उनका एरिया 1 टाइम पीरियड 2 टाइम पीरियड 3 टाइम पीरियड यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड में अगर उनका एरिया यानी कि इंटीग्रेशन निकाला जाए साइन या कॉस का तो वो 0 आता है। तो देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है पाई, और हम किस रेंज में निकाल रहे हैं पाई से माइनस पाई यानी कि 2π रेंज में निकाल रहे हैं, तो जब पाई इसका टाइम पीरियड है तो 2π रेंज में इसका एरिया कितना आएगा 0 आएगा। इनडायरेक्टली हम ये बोलना चाह रहे हैं आप किसी भी मेथड से सॉल्व करना, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 आएगा, 0 आ गया। प्लस cos tau t के लिए कांस्टेंट है तो cos tau तो आ जाएगा बाहर और यहां बचा रहेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना t, और लिमिट कहां से कहां तक रखना है हमें, लिमिट हमें रखना है माइनस पाई से पाई तक, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर अपॉन 4π cos tau और पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई, कितना आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 cos
टाउ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये आया ऑटो कोरिलेशन, किसका आया, पावर सिग्नल का। दोस्तों यहाँ एक चीज अच्छे से ध्यान दो, अगर हम टाउ इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें यहाँ तो आएगा R110 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। और जिन्होंने पावर सिग्नल हमने जो पढ़ाए थे वो देखे होंगे तो उन्हें पता होगा ए कॉस टी की जो पावर होती है वो कितनी होती है, ए स्क्वायर बाई 2 होती है। ये आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में भी देखेंगे कि इसकी पावर क्या होती है, ए स्क्वायर बाई 2 होती है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गई है, इस सिग्नल की पावर। ऑटो कोरिलेशन हमने निकाल लिया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप लोग कि पावर सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों एक और हम इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, और वो क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आया साइन टी का तो लोग सोचेंगे कि जब हमने ए कॉस टी का निकाला था तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉस टाउ निकला था ऑटो कोरिलेशन, तो इसका निकलेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन टाउ। तो आप खुद देखिए टाउ इज इक्वल टू जीरो पे साइन टाउ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फिर पावर तो उसकी जीरो हो जाएगी, जबकि इसकी पावर तो क्या होती है, ए स्क्वायर बाई 2। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑटो कोरिलेशन निकालने की बात है तो कितना आएगा, 1/2, इसका भी टाइम पीरियड क्या होता है, 2π होता है, तो हम सीधा 2π रख देते हैं, माइनस पाई से पाई, एक्स ऑफ टी की जगह सीधा रखेंगे ए साइन टी, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ की जगह रखेंगे साइन टी माइनस टाउ, और ये रख देंगे डी टी। दोस्तों अब भी हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, तो यहाँ आया था कितना आया था, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ आया था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम आपको लिख के ही बता देते हैं एक बार और, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का जो निकाला था हमने वो कितना आया था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको, यानी कि cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी को घटा दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 sin a sin b। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वही चीज हो जाएगी कि a स्क्वायर अपॉन 2π इंटू एक 2 का मल्टीप्लाई एक 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस पाई से पाई 2 साइन टी माइनस टाउ डी टी। ये आ चुका हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब भी हमने देखा है ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4π, कितना आया था 2 साइन टी, मतलब 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकली थी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई, कॉस ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी पहले, इसमें से इसे घटाओगे तो टी से टी कैंसिल, कितना बचेगा, टाउ अकेला बचेगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2t माइनस टाउ, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। दोस्तों अब भी हमने प्रूव किया था कि इसका जो एरिया है वो कितना आता है, जीरो आता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां से ए स्क्वायर अपॉन 4π cos tau जो है टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, तो यहां पे इंटीग्रेशन आएगा वही टी, और लिमिट माइनस पाई से पाई रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा, 2π से ये 2π कैंसिल, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 कॉस टाउ। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ए साइन टी का और ए कॉस टी का दोनों का ही ऑटो कोरिलेशन क्या आता है हमारा, ए स्क्वायर बाई 2 कॉस टाउ, ए स्क्वायर बाई 2 कॉस टाउ दोनों का ही क्या आता है हमारा, ऑटो कोरिलेशन। तो टाउ इज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट कर दें तो R110 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर बाई 2, जो कि किसकी पावर होती है, a sin t की पावर हमने देखा था कितनी होती है, a स्क्वायर बाई 2। दोस्तों अब आप कोई भी सिग्नल लो, उसमें पहचानो कि वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। अगर एनर्जी सिग्नल है तो ऑटो कोरिलेशन के लिए एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर पावर सिग्नल है तो ऑटो कोरिलेशन के लिए पावर वाला फॉर्मूला लगाइए, और हम किसी भी सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम डोमेन में हम ऑटो कोरिलेशन निकालने में हमें प्रॉब्लम जा रही है, तो आप क्या करो, पहले उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, फूरियर ट्रांसफॉर्म के मॉड करो,
और स्क्वायर कर दो। और हमने बताया था आपको कि उसके मॉड का स्क्वायर जो होता है वो अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, और पावर सिग्नल है तो क्या हो जाएगी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है वो ऑटो कोरिलेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपको क्या करना है, उस एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वही का वही ऑटो कोरिलेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात लिए, अब हम डिस्क्रीट में ऑटो कोरिलेशन देखते हैं। तो दोस्तों जो हमने कंटिन्यूस में ऑटो कोरिलेशन बताया है वही का वही डिस्क्रीट में ऑटो कोरिलेशन होता है। बस आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन की जगह समेशन, स्मॉल टी की जगह स्मॉल एन रख देना है, टाउ की जगह कोई और वेरिएबल रख देना पी या के, और कैपिटल टी जो हम रख रहे थे टाइम पीरियड में वहां उसकी जगह कैपिटल एन रख देना है। तो हम एक सिग्नल रियल मान के चल रहे हैं कि एक्स एन इज रियल, और उसका डायरेक्ट ऑटो कोरिलेशन निकाल के बताते हैं आपको कैसे निकालोगे आप। ऑटो कोरिलेशन अगर हम निकालना चाहें इसका, लेट यहाँ के रख देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन एक्स ऑफ एन माइनस के, और यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एन। देखिए जब आप एन की वैल्यूज पुट कर दोगे तो इधर केवल क्या बचेगा, के बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया है हमें, के मिल गया है। ये हो गया हमारा ऑटो कोरिलेशन। साथ साथ हमने ये भी बताया था आपको कंटिन्यूस में कि जो ऑटो कोरिलेशन होता है किसी भी सिग्नल का, वो उस सिग्नल और उसी सिग्नल के फोल्डेड वर्जन का कन्वोल्यूशन होता है। आप चाहो तो यहाँ के तो यहाँ भी के, और यहाँ भी क्या रख दो, के रख सकते हो, या सेम वेरिएबल हर जगह रखना है। तो सिग्नल और उस सिग्नल के फोल्डेड वर्जन के साथ जो कन्वोल्यूशन होता है वो ऑटो कोरिलेशन होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कंटिन्यूअस सिग्नल में प्रूव करके बताया था, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही का वही रखना है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि उसका ऑटो कोरिलेशन निकाल के बताइए। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स एन इज इक्वल टू वन माइनस वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे एरो लगा दिया। एरो का मतलब है एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू माइनस वन, एन इज इक्वल टू माइनस टू। अब दोस्तों पूछा कि इफ एक्स एन इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ दिस सिग्नल, ऑटो कोरिलेशन पूछ लिया। ऑटो कोरिलेशन हम निकाल के बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों जब हमें ऑटो कोरिलेशन निकालना है तो क्या करना होता है, उस सिग्नल और उसके फोल्डेड वर्जन का कन्वोल्यूशन। तो देखिए कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे हम, पहले हम फोल्डेड वर्जन निकाल लें। फोल्डेड वर्जन का मतलब होता है n की जगह जब माइनस n, यानी कि माइनस वन से स्केलिंग जब होती है तो उसे फोल्डिंग कहते हैं। और फोल्डिंग क्यों कहते हैं, जहां ओरिजिन है उससे इस पार्ट को इधर फोल्ड कर दो, इस पार्ट को इधर फोल्ड कर दो। और डिटेल में समझना है तो आप शिफ्टिंग वाला वीडियो देख लेना। तो ये 2 तो रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा इस साइड, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस वन और ये प्लस वन, ओरिजिन वहीं का वहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू वन प्लस वन, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू प्लस टू। अब दोस्तों हमें इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना है, और इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑटो कोरिलेशन ऑफ दिस सिग्नल। चलिए ऑटो कोरिलेशन निकालने की हम कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स मेथड हमने आपको बताई थी अगर आपको याद हो, जिसको नहीं याद है तो कन्वोल्यूशन के वीडियो जरूर देख लीजिए, 3 2 -1 1। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे अगर कोई वीडियो आपको देखना है तो आप सीरी जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है उनके थ्रू पढ़ाई करें। कोई भी वीडियो उठाएंगे तो उसमें पुराना लॉजिक जरूर मिलेगा आपको। तो आप कहाँ से, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, हमारा जब चैनल विजिट करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई होती है, अपलोड के नीचे एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जो टॉपिक उठाना चाहें उस टॉपिक पे क्लिक करें तो उसमें सीरियली ऑर्डर के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें आप। देखिए हमने ये मेथड आपको बताई थी कन्वोल्यूशन निकालने की मेथड डिस्क्रीट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 2, ये माइनस 1, 1। जिन्होंने ये मेथड नहीं पढ़ी है वो हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। माइनस 3, 2, माइनस 1, माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस 1। देखिए ये भी माइनस 2 हो जाएगा, क्या किया हमने, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 3, माइनस 2, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 6, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का माइनस 1 में माइनस 2, और ये 2। अब हम 3 का करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, माइनस 3, और ये हो जाएगा 3। कैसे निकालते हैं इसका, जो दोनों का कन्वोल्यूशन होगा, ये हम क्या निकालने जा रहे हैं, कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एन विद एक्स ऑफ माइनस एन, और यही क्या कहलाता है,
एक्स एन का ऑटो कोरिलेशन निकाल के देखते हैं दोस्तों। पहली वैल्यू क्या आई हमारी, 3 आ गई। दूसरी वैल्यू दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आएगी, -1। तीसरी में इनको ऐड करोगे, इसको इसको और इसको, तो कितना आ जाएगा, 3। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1, 2 और 4, 6 और 9, 15। फिर इनको ऐड करोगे तो अगेन कितना आएगा, 3। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, -1 और ये आपके पास कितना आ गया, 3। एक चीज दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ओरिजिन पता करना यहाँ बहुत ही आसान होता है। वैसे तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि -2 फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करो तो कितना आएगा, -2 -1 -3, यानी कि ये पॉइंट n इज इक्वल टू -3 है। लास्ट को लास्ट से ऐड कर दो तो 1 और 2 3, तो ये पॉइंट n इज इक्वल टू 3 है। तो इधर से बढ़ो या इधर से, ये -3 तो -2 -1 और ये 0 हो गया। दूसरी चीज आप वैसे भी देख सकते हो कि चूंकि हमने सिग्नल रियल लिया था और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि अगर सिग्नल रियल हो तो उसका ऑटो कोरिलेशन हमेशा इवन फंक्शन मिलता है। इवन फंक्शन का मतलब है कि ओरिजिन के अलोंग अगर हम देखें तो मिरर इमेज बनाता है। तो देखिए दोस्तों, ओरिजिन के अलोंग देखिए, इधर 3 तो इधर 3, इधर -1 तो -1, इधर 3 तो इधर 3, मिरर इमेज बना रहा है, यानी कि ये ऑटो कोरिलेशन कैसा है, इवन फंक्शन। तो दोस्तों अभी तो हमें ऑटो कोरिलेशन मिल गया। हमने एक और चीज प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कि ऑटो कोरिलेशन की टाउ इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आती थी वो सिग्नल की एनर्जी होती थी। यहाँ डिस्क्रीट है तो एन या के आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है एन ही रखो, के मान सकते हो, वेरिएबल है ये। के या एन की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो R110 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आप देख के बताइए, कितनी है एन इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, 15। तो आप बोलोगे 15 ऑटो कोरिलेशन की 0 पे वैल्यू क्या आई, 15 आई। आपको पता है किसी सिग्नल की जो एनर्जी निकाली जाती है वो कैसे निकालते थे, डिस्क्रीट में -∞ से ∞ एक्स ऑफ एन के मॉड का स्क्वायर। रियल सिग्नल है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, आप मॉड लगाओ या ना लगाओ, तो हमें क्या करना है, इनका सीधा स्क्वायर करके जोड़ते जाना है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। देखिए ये कितना हो गया, 15 हमें मिल गया, यानी कि इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 0 पे ऑटो कोरिलेशन के बराबर है। इस टाइप से दोस्तों हम लोग ऑटो कोरिलेशन के क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन के जितने क्वेश्चन आएंगे इसमें हम पावर ऑटो कोरिलेशन आपको दे रहे हैं असाइनमेंट के तौर पे, कि आप पावर सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन निकाल के बताएं। बहुत आसान है, वही का वही समेशन रहेगा, 1/n रहेगा, लिमिट माइनस, हाँ लिमिट का यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, आप इसकी लिमिट रखने से पहले डिस्क्रीट में हमने पावर सिग्नल बताए थे वो जरूर देख लें। वहां पे अगर पीरियडिक सिग्नल है तब क्या होती है लिमिट, और अपीरियडिक सिग्नल है तब क्या होती है। अपीरियडिक सिग्नल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डायरेक्टली आ जाती है, लेकिन पीरियडिक सिग्नल में हमने बताया था आपको n इज इक्वल टू 0 से कहां तक, n-1 तक लिमिट होती है। तो लिमिट आप कहां से देखें, डिस्क्रीट पावर सिग्नल के वीडियो से देखें और वही लिमिट रख दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑटो कोरिलेशन ऑफ द पावर सिग्नल। और वहां पे आप डायरेक्टली k या जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसकी वैल्यू जब 0 करोगे, मतलब 0 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू निकालोगे तो वो सिग्नल की पावर के बराबर होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर सिग्नल पावर सिग्नल है तो ऑटो कोरिलेशन की 0 पे वैल्यू, ओरिजिन पे वैल्यू जो होगी उसकी पावर के बराबर होगी। अगर सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो ऑटो कोरिलेशन की ओरिजिन पे वैल्यू उसकी एनर्जी के बराबर होगी। दोस्तों इस वीडियो के बाद हम फूरियर सीरीज लाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को फूरियर सीरीज समझना है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप फूरियर सीरीज के वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो के बाद हम आपको फूरियर सीरीज के वीडियो बनाएंगे। तो आज शाम को या कल तक अपलोड हो जाएगा फूरियर सीरीज के वीडियो, फूरियर सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए इनको और कमेंट लिखते जाइए। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है गलती से हमसे, किसी का कोई लॉजिक छूट जाता है, तो आप कमेंट कर दीजिए जिससे हम वो दोबारा से उसे पढ़ा सकें, और शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिससे बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। पढ़ाई केवल प्लेलिस्ट से करें, डायरेक्ट रैंडम वीडियो देख के पढ़ाई करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो आप जो भी पढ़ाई करें वो किसकी सहायता से करें, प्लेलिस्ट की सहायता से। थैंक यू सो मच।